हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो, मजे में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो बात करते हैं भरत सिंह वालिया की। तो ये पहले मसलमेनिया जीत चुके हैं भरत सिंह वालिया, तब से मैंने देखा और मैं इनको फॉलो करने लगा। फिर ये भक्ति में आए, कब आए? जब ये मसलमेनिया से सस्पेंड हो चुके थे तब ये भक्ति में आए, क्योंकि इन्होंने इंडियन शो की काफी बुराई करी थी जजिंग की। तो ये इन्होंने कुछ सोचा कि भक्ति में आ जाता हूँ, तो इन्होंने पोस्ट डाली भक्ति वाली कुछ। तो मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मुझे भी मार्गदर्शन दो, मुझे बताओ कि किशन जी ने कपड़े क्यों चुराए थे। इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने मुझे वहां से ब्लॉक कर दिया। लेकिन मेरे पास इसका जवाब है, अगर आपको जानने की कोशिश करोगे तो आपको जवाब मिलेगा और मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, भक्ति में आए, शिव जी की भक्ति करने स्टार्ट करी, लेकिन वहां से लोग इसके साथ ज्यादा नहीं जुड़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना भगवान बदला, भगवान बदला शेरा वाली माता पे, माँ काली पे, फिर भी ज्यादा लोग नहीं जुड़े। फिर ये राम भगवान पे आए, वहां से लोग इनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे कि बागेश्वर धाम है, हनुमान जी के भक्त हैं, इन्होंने देखा कि वहां तो और ज्यादा भक्त है। तो अब रिसेंट में इन्होंने हनुमान जी का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है। तो लगता नहीं है मुझे कि ये सच में भक्त है, मुझे लगता है ये सिर्फ फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मनोज पाटिल है, ये अगर ये भक्त है, सच में भक्त है, भक्ति करते हैं, तो भगवान की ही वीडियो फोटो डालते हैं, लेकिन ये उनके सॉन्ग भगवान के होते हैं मोस्टली, और फोटो इनकी खुद की चलती है। मतलब साफ है कि ये खुद का प्रमोशन करना चाह रहे हैं भगवान का सहारा लेके। आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, कोई हेट नहीं है किसी के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हो। थैंक यू गाइज़।